बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आप मंत्री राघव चड्ढा सगाई कर चुके हैं और खबरों के मुताबिक इसी महीने वे दोनों शादी भी करने वाले हैं। हालांकि शादी की तारीख और अन्य कार्मिक कर्मों पर दोनों ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन अभी खबरों के मुताबिक इस शादी में जहां फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने माने चेहरे नजर आएंगे, तो वहीं राघव आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इसलिए शादी में कई राजनेता भी शामिल हो सकते हैं। ताज़ा खबरों के मुताबिक उदयपुर में दोनों की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और शादी का जश्न करीब हफ्ते भर तक चलेगा। काम में बिजी रहने के बावजूद परिणीति चोपड़ा अपनी शादी की हर डिटेल पर ध्यान दे रही हैं और बड़े पैमाने पर इसकी प्लानिंग कर रही हैं। शादी का सेलिब्रेशन 17 सितंबर से शुरू होने वाला है, जो उदयपुर के लीला पैलेस में होगा। सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही फंक्शन में शामिल होंगे। ये एक बड़ी पंजाबी शादी होगी और 17 से 24 सितंबर तक सेलिब्रेशन चलेगा। राघव और परिणीति ने अपने मेहमानों के लिए कुछ टूरिस्ट एक्टिविटीज़ भी प्लान की हैं और सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। कुछ दिन पहले ही राघव और परिणीति तैयारियों का जायज़ा लेने उदयपुर पहुंचे थे। उन्हें वहां से लौटने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया था। परिणीति के वेडिंग लुक की बात करें तो मनीष मल्होत्रा का डिज़ाइन किया हुआ लहंगा पहनने वाली हैं। उन्होंने रोका सेरेमनी में भी मनीष मल्होत्रा की डिज़ाइन की हुई ड्रेस पहनी थी। परिणीति के वर्क फ्रेंड की बात करें तो उन्हें इम्तियाज़ अली की चमकीला में दिलजीत दोसांझ के साथ देखा जाएगा।